अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको हाइट ग्रो करने वाली टैबलेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका नाम है ग्रोटॉल, और ये टॉप ट्रीटमेंट्स ने मैन्युफैक्चर की है और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके एंड पे मैं आपको इसकी प्राइस और इसके इस्तेमाल का तरीका बताऊँगा। अब इसकी इन्ग्रीडियंट्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें शामिल हैं ऑस्टियोकेयर, बेरियम कार्बोनेट, आयोडीन, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, सिलिका, पोटाशियम फॉस्फेट। सबसे पहले ऑस्टियोशर की बात करें तो ये एक कैल्शियम का सप्लीमेंट है। इसके अलावा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट ये जो है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड है। इसके अलावा आयोडीन की बात करें, ये एक एसेंशियल मिनरल है जो कि आमतौर पर सी फूड में पाया जाता है, और हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये आयोडीन को इस्तेमाल करता है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, जो कि ग्रोथ के लिए इसकी मदद करते हैं और डैमेज सेल को रिपेयर करते हैं और मेटाबॉलिज्म को हेल्दी बनाते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल सिलिका की बात करें तो सिलिकॉन डाई ऑक्साइड को सिलिका के नाम से जाना जाता है और ये सिलिकॉन का ऑक्साइड है। पोटाशियम फॉस्फेट की बात करें तो ये हाईली प्रोटीन फूड जैसे कि मीट, ड्राइड बीन्स, पीस और डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स, चॉकलेट और होल ग्रेन फूड जो है, इसमें पोटाशियम और फॉस्फोरस की हाईली क्वांटिटी पाई जाती है। इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये 30 टैबलेट्स पर मुश्तमिल है और इसमें 3 स्ट्रिप्स मिलेंगी आपको और 10-10 इसमें टैबलेट्स मिलेंगी। इसकी प्राइस की बात करें तो 600 इसकी प्राइस है और ये आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल सकती है। इसकी डोजेज की बात करें तो ये एक गोली पानी के साथ आप दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी फिजिशियन की हिदायत के मुताबिक। तो ये टैबलेट जो टीनेजर जो अपना कद जिनका छोटा है और अपना कद बढ़ाना चाहते हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बैनर आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।